इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर सिलेबस WCS का है ये। 2022 में जो यह नया DGT के द्वारा अपडेट किया गया है वो सिलेबस है। और ये जो है ना सिलेबस WCS हो या ED हो, दोनों सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में जो भी इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं उसका सिलेबस क्या है WCS के लिए। तो ये फर्स्ट में है यूनिट्स एंड फ्रैक्शन, इकाइयाँ एंड भिन्न, ये चैप्टर फर्स्ट है। इसमें अंदर में क्या क्या पढ़ना है, इकाइयों का वर्गीकरण, फिर है FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट। FPS में तो ये होता है फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर KG सेकेंड और इसका SI यूनिट। और ये क्या है, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट। ये फंडामेंटल मतलब कि जो बेसिक 7 यूनिट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल 7 यूनिट ही होता है, बाकी जो भी आप जितना भी यूनिट देखते हैं उसी से डिराइव किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मीटर है, चलिए तो ये सब जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, अभी सिलेबस सिर्फ देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है माप इकाइयाँ और रूपांतरण, यूनिट्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं और कैसे कन्वर्सन करते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, ये था यूनिट से तीनों चैप्टर। अब फ्रैक्शन से है ये नेक्स्ट, आगे में ये फ्रैक्शन से है सारा, फैक्टर्स SCF, LCM एंड प्रॉब्लम। फैक्टर क्या होगा, महत्तम लघुत्तम और उस पर कुछ प्रॉब्लम है। भिन्न का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दशमलव भिन्न में भी सभी चारों पढ़ना है, दशमलव भिन्न में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और कुछ कैलकुलेटर के हेल्प से प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पे सिलेबस में यूजिंग कैलकुलेटर लिखा हुआ है तो मे भी हो सके तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ किया जाए। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है स्क्वायर रूट, वर्गमूल, अनुपात एवं समानुपात एवं प्रतिशत। तो नाम ही से है फर्स्ट चैप्टर में, तो उसके बारे में वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ना है। वर्गमूल में भी बहुत टाइप के होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, भाग विधि, तो वो सब चैप्टर में पढ़ना है आप लोगों को। फिर वही है कैलकुलेटर से कुछ प्रॉब्लमें करनी है, वर्गमूल निकालना है। अब नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग, क्या हम उसको कैसे उपयोग करते हैं उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे। ये थे स्क्वायर रूट पे। नेक्स्ट है अनुपात एवं समानुपात पे, तो क्या है इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्या अनुलोमानुपाती एवं विलोमानुपाती पे कुछ प्रॉब्लमें रहेंगे। फिर नेक्स्ट है परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप देख रहे हैं कि प्रतिशत को दशमलव एवं भिन्न में बदलना है, बस यही एक टॉपिक है प्रतिशत में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। तो ये चैप्टर 2 था। नेक्स्ट है चैप्टर 3 थर्ड मटेरियल साइंस पदार्थ विज्ञान, इसमें क्या पढ़ना है, धातु लौह और अलौह धातुओं का प्रकार, लौह और कच्चा लोहा का परिचय, ये दो टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को मटेरियल साइंस में। सिलेबस पहले से ना पहले के कंपेयर में बहुत कम गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर कम कर दिया गया है, जैसे कि मटेरियल साइंस हो गया तो इसके अंदर का टॉपिक कम कर दिया गया है। तो ये 3 चैप्टर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, द्रव्यमान, भार, आयतन एवं घनत्व, और इस पर कुछ रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। 5th चैप्टर में पिछले साल आप लोगों को चाल एवं वेग पढ़ना था, लेकिन इस बार ये क्या देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया हूँ, इसका मतलब कि ये डिलीटेड कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पढ़ना है। तो इसमें कार्य शक्ति ऊर्जा में आप लोगों को HP, IHP, BHP और इफिशियंसी पढ़ना था। HP क्या होता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। IHP क्या क्या फुल फॉर्म हो गया, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, सूचित अश्व शक्ति, और BHP ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक अश्व शक्ति। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में तीनों में से किसी न किसी को एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो आप अच्छे से इस पर पढ़ लें। नेक्स्ट है इसी चैप्टर का वर्क पावर एनर्जी में ही पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और उस पर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे। तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला पे प्रॉब्लम रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ हराने की बात नहीं है। नेक्स्ट है हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उष्मा, ताप एवं दाब,
इस ये लंबा चैप्टर है, मुझे लगता है कि ये जितना पहले पढ़ना था उतना ही पढ़ना है, तो देखते हैं वन बाई वन कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ऊष्मा एवं ताप का संकल्पना, मतलब कि कॉन्सेप्ट, ऊष्मा और ताप में क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है, ऊष्मा से क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, उसके बाद जितने भी धातु और अधातु हैं उसका कथनांक और गलनांक, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं तो स्केलिंग पे, कि तापमान के पैमाने कैसे कैसे हम लोग नापते हैं, तो एक सेल्सियस में है, फारेनहाइट और केल्विन, ये सब में हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं। उसके बाद है कन्वर्सन, कि सेल्सियस से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से सेल्सियस में, या फिर सेल्सियस से केल्विन में, इस टाइप का रिलेटेड प्रॉब्लम है। तापमान के पैमाने के बीच रूपांतरण, मतलब बदलाव, कैसे हम लोग बदलाव करते हैं। फिर नेक्स्ट है तापमान मापने का यंत्र, यंत्र होता है ना, थर्मोमीटर होता है, पैरोमीटर होता है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है टेम्परेचर को नापने के लिए, तो वही है कि प्रकाश सिर्फ देख लें, और उसके बाद पैरोमीटर स्पेशली करके देख लें। पैरोमीटर ही एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब भी है एक, मतलब जो इसके द्वारा हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचरण, कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, तो तीन टाइप से होता है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं चालन, संवहन एवं विकरण। चलिए तो ये चैप्टर सिक्स जो ऊष्मा, ताप एवं दाब पे था। नेक्स्ट चलते हैं सेवन्थ चैप्टर में, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में दो टॉपिक है, एरिया एंड पेरीमीटर, और एक है एरिया एंड पेरीमीटर का यानी क्षेत्रफल एवं परिमाप, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। तो जो एरिया और पेरीमीटर में किसका किसका पढ़ना है, वर्ग का, आयतन, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्ताकार छला, त्रिज्यकन, षट्भुज, दीर्घवृत्त, ये सभी का हमको सिर्फ एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ना है। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन में किसका है, घन, घनाव, बेलन, गोला एंड खोखला गोला, इतना ही पढ़ना आपको क्षेत्रमिति में। नेक्स्ट है उत्तोलक एवं साधारण मशीनें, तो इसमें बस उत्तोलक क्या होता है और इसके प्रकार, तो प्रकार इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप लीवर और थर्ड टाइप लीवर, प्रथम प्रकार उत्तोलक, ये सब देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट लास्ट बच गया त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में तीन ही टॉपिक का पढ़ना है, पहले अंदर में बहुत कुछ टॉपिक था तो डिलीटेड कर दिया गया है, अभी सिर्फ कोणों की माप, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय तालिका, ये तीन टॉपिक सिर्फ पढ़ना है आप लोग को। तो ये था फर्स्ट ईयर का सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं देख लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है। तो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में बहुत कम चैप्टर रह गए हैं, चैप्टर पहले 89 था लेकिन अंदर का टॉपिक बहुत बदल गया है। तो देखिए ये क्या है, रिवाइज सिलेबस फॉर WCS 2022 इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। फ्रिक्शन, पिछले साल अगर बात करें तो घर्षण में हम लोग को बहुत कुछ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल इस पर भी पढ़ना था, फ्रिक्शन का टाइप भी पढ़ना था, तो क्यों सब हट गया, सिर्फ लुब्रिकेशन, मतलब स्नेहन, लुब्रिकेशन जो आप लोग जानते होंगे ना, ग्रीस हो गया, ये सब जो स्नेहन यूज करते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे थियोरिटिकली। नेक्स्ट है बीजगणित, तो बीजगणित में क्या, कैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आप लोग जानते हैं कि बीजगणित में कैसे करते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, घात का सिद्धांत, मतलब कि थ्योरी मत बोलिए, रूल, कि घात का क्या रूल होता है उस पर चलेंगे। और फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जितने भी बीजीय सूत्र होते हैं वो सभी आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता में बस इतना टॉपिक है कि इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या अंतर है, दोनों को ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद है स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति, उसके बाद दोनों का यूनिट, प्रतिबल और विकृति का यूनिट क्या होता है, और लास्ट है यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता। इसमें सिर्फ यंग मॉडुलस के बारे में, पिछले अगर आप बात करें साल का तो उसमें बल्क मॉडुलस भी था, और ठीक है ना, वो सब हटा दिया गया, बस एक यंग मॉडुलस रखा गया है। तो बस चैप्टर थर्ड में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, और इसी के अंदर साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज भी है, तो दोनों टॉपिक पे, लाभ एवं हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, और भी डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड रहेंगे, तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बस आप लोग फॉर्मूला याद रख लेंगे। इसमें टोटल 5 से 6 फॉर्मूले होंगे और इसमें से
तीन चार जो भी वो फॉर्मूले रट जाए। उसके बाद है इस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग, पूर्व आकलन एवं लागत। तो ये पिछले जितना पढ़ना था टॉपिक उतना ही पढ़ना, इसमें कोई बदलाव किया गया नहीं है। देखिए यहाँ पे अब इतना ही पाँच चैप्टर बच गए हैं सिर्फ पढ़ने के लिए सेकेंड ईयर में। कुछ क्या क्या डिलीटेड किया गया है जो आप लोग पिछले साल में और क्या पढ़ रहे थे होंगे, जो पीछे जो होंगे आप लोग के सीनियर वो लोग को हीट ट्रीटमेंट भी पढ़ना होगा, ऊष्मा उपचार, तो अब आप लोग को ये नहीं पढ़ना है। फिर गुरुत्व केंद्र, ये बहुत बच्चों को हार्ड लगता था, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था, तो चलिए कुछ बच्चों को राहत महसूस हुआ होगा कि चलिए गुरुत्व केंद्र हट गया। फिर नेक्स्ट है एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस, ये क्षेत्रमिति का कुछ पार्ट था तो जो भी कि हट गया है। तो इतना ही था इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सिलेबस। थैंक यू।